हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके रोज़ के काम को आसान तो करेंगे ही आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने पहले टिप्स की तरफ वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा चलिए फ्रेंड्स तो मेरी पहली टिप्स है इस तरीके से कड़ी पत्ते को स्टोरेज को लेके तो फ्रेंड्स इस तरह से कड़ी पत्ता मैंने बहुत सारा लेकर आया था तो इसे स्टोर कैसे करना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अगर आप चाहो फ्रेंड्स ना तो इसे थोड़ा सा मतलब सुखा कर भी आप इसका मतलब ड्राई वाला पत्ता भी रख सकते हो और अगर आप चाहो तो मेरी तरह इस तरीके से न्यूज़पेपर लेकर और इस तरीके से जो आपके कड़ी पत्ते हैं इन सबको अच्छे से एक लाइन में लगा भी रख सकते हो तो फ्रेंड्स इसे ना कभी कभी मैं क्या करती हूँ अगर मुझे बहुत ज़्यादा भी रखना होता है साल भर के लिए भी मैं इसे स्टोर कर लेती हूँ इसे माइक्रोवेव में ड्राई कर लेती हूँ और ड्राई करके फिर इसे मैं रख लेती हूँ काफ़ी दिन तक चलता है और बहुत अच्छा इसका यूज़ हो जाता है तो फिलहाल तो मैं अभी क्या करूँगी कुछ को अभी मैं इसी तरीके से न्यूज़पेपर में रख दूँगी और जो थोड़े और हैं उन्हें मैं ड्राई करके रखूँगी इस तरीके से जब आप न्यूज़पेपर में रखोगे फ्रेंड्स तो ये ना ख़राब नहीं होते हैं और इनकी जो स्मेल है ना वो भी अच्छे से फ्रेश रहती है आप चाहो तो एल्यूमिनियम का फॉइल है उस उसमें भी डाल के इसे रख सकते हो और मैं आपको बता दूँ ये ना मॉर्निंग का टाइम है मैंने रात में ही इसे धो लिया था और धो के इसे मैंने फैन के नीचे रख दिया था ताकि ये क्लीन रहे और जब भी मुझे इसे यूज़ करना हो मैं फटाफट से इसे निकाल के यूज़ कर सकूँ तो इस तरीके से मैंने इसे रख लिया था और अब मैं इसे न्यूज़पेपर में डाल के रख दूँगी आप अगर आपको वन वीक के लिए यूज़ करना है तो आप इसकी पत्तियों को निकाल के एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो टिश्यू पेपर के साथ और पत्तियों को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो बट मुझे इसे थोड़ा लंबा स्टोर करके रखना है तो इसीलिए मैं इसे न्यूज़पेपर में डाल के इस तरीके से रोल करके रख दूँगी और न्यूज़पेपर में जानते हैं फ्रेंड्स मॉइस्चर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और हमारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फ्रेश रखता है तो आई होप आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होगी तो बस इस तरीके से अब मैं अपने न्यूज़पेपर को अपने करी पत्ते को रख लूँगी जो मेरे यूज़ में आएंगे चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ <coughs> सॉरी फ्रेंड्स तो मेरी दूसरी टिप्स है फ्रेंड्स पेंसिल आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं फ्रेंड्स जब वो पेंसिल से लिखते हैं तो आप देखते होंगे ना बहुत ज़्यादा नीचे हाथ करके ऐसे लिखते हैं इससे क्या होता है इनकी जो हैंड राइटिंग है ना वो ख़राब हो जाती है आप चाहो ना तो मतलब कितना भी समझाओ आप उनको कितना भी डांटो बट उनकी हैबिट नहीं जाती है वो हाथ ना नीचे करके ही लिखते हैं बट अगर आप ऊपर तरीके से ऐसे लिखेंगे बच्चे ना ऊपर हाथ करके तो राइटिंग काफ़ी अच्छी बनती है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना अगर ये आदत आपको छुड़ानी है बच्चों की तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो एक ले लो रबर बैंड और रबर बैंड को क्या करो ना थोड़ा सा ऊपर में आप इस रबर बैंड को लगा दो ठीक है रबर बैंड लगाने से क्या होगा एक ना ग्रिप आ जाएगी पेंसिल में और उस ग्रिप के कारण ना बच्चे उसको आ, मतलब इजीली पकड़ पाएंगे और उनको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा तो एक बार ट्राई आप कर सकते हो इससे फिर बच्चों की जो राइटिंग है वो खराब नहीं होगी और उनका अच्छा लिखने का हैबिट आ जाएगा आई होप ये वाली टिप्स भी आपको पसंद आई होगी चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फ्रेंड्स कौन सी वाली टिप्स आपको पसंद आ रही है कमेंट्स करना ना भूलिएगा फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ये टिप्स है मेरी फ्रेंड्स मैच स्टिक्स को लेके तो आज इन स्टिक्स का मैं आपको क्या यूज़ है वो बताऊंगी आपको इसके लिए क्या करना है ले लेना है रबर बैंड जो हमारे घरों में होते हैं और चार चार माचिस के तिल्ली को लेके एक बंच बना लेना है आपको आ, इन तिल्ली का जितना मतलब ज़्यादा क्वांटिटी है उ, उस हिसाब आप से आपको ये बंच बनाना है मुझे थोड़े से ही चीज़ों के लिए चाहिए तो बस मैं दो से तीन बंच बना लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा बहुत ही यूज़फुल टिप्स है फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और इसे मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ मैं भी आपको वीडियो में बताऊँगी और फ्रेंड्स अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं अपने इंस्टा आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ वहाँ से आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हो इसी तरीके की अमेजिंग यूज़फुल वीडियो मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ चलिए अब मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ कि इसका यूज़ मैं कहाँ करने वाली हूँ ठीक है चलिए फटाफट से इसका यूज़ देख लेते हैं तो मैंने दो बंच बनाया है और मैं ले लूँगी मैंने ना दलिया रखा हुआ था दलिया हो गया दाल हो गए चावल हो गए कोई भी इस तरीके के दाल वाले आइटम हो गए ना उसमें आप देखिए ये मेरा हा आधा किलो का दलिया था तो इसमें मेरे को दो दो बंच मैंने डाल दिया है इससे क्या होगा आपकी जो दलिया है ना वो ख़राब नहीं होगी कीड़े नहीं लगेंगे और आपको जब भी यूज़ करना हो आपको इसी तरीके से मिलेगा तो इस तरीके से आप भी अपने चावलों में दालों में माचिस की तिल्लियों को रख सकते हो इसके अलावा मैंने बहुत सारे आपको ऑप्शन बताए हुए हैं जैसे एल्यूमिनियम फॉइल की बॉल्स हो गई वो सब भी आप रख सकते हो उसके बाद फ्रेंड्स अगली टिप्स है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है वो है कॉटन के कपड़ों को लेके क्या होता है फ्रेंड्स जब विंटर्स थे ना तो मैंने इन कॉटन के कपड़ों को रख दिया था अब इनका यूज़ करना है तो इसमें अलग से एक ना सीलन की स्मेल आने लगती है थोड़ा सा अलग सा ही स्मेल आता है तो उस स्मेल को हटाएं कैसे उसका मैं आज आपको बहुत अच्छा टिप्स बताऊंगी आपको क्या करना है वापस से ना इन कपड़ों को इसी पॉलीथीन में डाल देना है चाहे वो कॉटन वाला बैग हो चाहे ये वाली पॉलीथीन है उसके बाद फ्रेंड्स आपको इन कपड़ों को डाल देना है फ्रिजर में फ्रिज में नहीं डालना है फ्रेंड्स फ्रिजर में में डाल देना है और अराउंड वन आवर्स के लिए आप इसको छोड़ दीजिए और वन आवर्स के बाद जब आप इन कपड़ों को यूज़ करोगे ना तो आप देखोगे बिल्कुल भी इन कपड़ों में जो भी स्मेल गंद आ रही थी सीलन की या ऐसी भी कोई स्मेल आ रही थी ना तो वो बिल्कुल भी रिमूव हो जाएगी हट जाएगी एकदम फ्रेश फ्रेश आपका कपड़ा हो जाएगा और फिर आप इसे निकाल के यूज़ करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो इस तरीके से आप कपड़ों की बैड स्मेल को हटा सकते हो दूसरा रीज़न और होता है फ्रेंड्स कभी भी नए कपड़ों को आप इस तरीके से फ्रिजर में बना रखोगे ना तो आपके कपड़े की जो मजबूती है जो स्टिचिंग है ना वो काफ़ी मजबूत हो जाती है तो ये वाली टिप्स भी बहुत काम की है तो आई होप आपको ये वाली टिप्स भी पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और उसके बाद मेरी अगली टिप्स है साबुन को लेकर तो फ्रेंड साबुन को लेकर ये वही टिप्स ना अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंड्स क्या होता है बच्चे जब साबुन यूज़ करते हैं ना तो उनके हाथों से बहुत ज़्यादा स्लिप होती है या नहाते समय भी बहुत स्लिप होता है जिससे क्या होता है बहुत सारा साबुन वेस्ट हो जाता है तो इसके लिए आपको मैं एक बहुत अच्छा जुगाड़ बताऊँगी आपको क्या करना है एक रबर बैन ले लेना है एक या दो जैसा आपको मतलब सेट हो जाए और उसको आप इस तरीके से साबुन में लगा दीजिए ठीक है और साबुन में लगाने से फिर क्या होगा जब बच्चे इसे यूज़ करेंगे ना तो वो हाथों से स्लिप नहीं होती है एक बार और आप इसे जरूर एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा बहुत काम की टिप्स है ये तो ये टिप्स कैसे लगे कमेंट्स में फिर ज़रूर बताइएगा इससे क्या होगा साबुन का वेस्टेज नहीं होगा बच्चों के हाथों से साबुन छूटेगा नहीं ये टिप्स आप ग्लास में भी लगा सकते हो तो जैसे बच्चे पानी पीते हैं छोटे तो ग्लास उनके हाथ से गिर जाते हैं ना उस पर भी ये वाली टिप्स काम करेगी तो आई होप आज की वीडियो आज की टिप्स आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और डब्बे का यूज मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कोई भी स्टोरेज में काम आ सकता है चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे कल नए वीडियो में तब तक अपना लोगों का ध्यान रखिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय एंड टेक केयर